मुरादाबाद जिले को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस मर्तबा भी समाजवादी पार्टी ने मजबूती के साथ मुरादाबाद जिले की 6 सीटों में से 5 पर जीत हासिल की। यहां से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। हालांकि इस जीत का फर्क बहुत कम था, महज 782 वोटों से बीजेपी के रितेश गुप्ता ने यह जीत हासिल की। रितेश गुप्ता ने मुरादाबाद शहर असेंबली हलके की यह सीट जीत कर बीजेपी का मुरादाबाद में क्लीन स्वीप होने से बचा लिया। हम लोग इतने अच्छे मतों से, इतने अच्छे हमने विधायक चुनकर हमारे बीच आए और शहर विधायक, यशस्वी विधायक जिन्होंने पूरे 5 वर्ष शहरवासियों की सेवा करी, श्रीमान रितेश कुमार गुप्ता जी दोबारा से चुनकर आए। हम उनकी खुशी में, उनकी जीत की खुशी का ये जश्न मना रहे हैं। आज होली दिवाली हम लोगों सब परसों से बराबर चल रही है और हम लोग अपनी जीत का जश्न, अभी आप देखते रहिए, सरकार शपथ लेगी तो क्या से क्या करने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दोबारा से लौट के उत्तर प्रदेश में, जो एक ऐतिहासिक जीत है, और शहर विधानसभा 28 जो सीट हम लोग जीते हैं, ये पूरे जिले की एकमात्र सीट है। तो इससे हमारी खुशी दुगनी हो गई है कि प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है दोबारा, और पुनः 28 विधानसभा से आपके पीछे प्रत्याशी माननीय रितेश कुमार गुप्ता जी को जनता ने दोबारा